हाय देयर, दिस इज कौशिक एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप सब लोग तो जानते ही हैं, लास्ट ईयर गूगल ने पहली बार अपना ओन प्रोडक्शन का एक नया मोबाइल रिलीज किया है और वो है गूगल पिक्सल। दोस्तों, ये मोबाइल आया है एंड्रॉइड नोगेट 7.1 के साथ और इसमें ऐसा कुछ अमेजिंग फीचर दिया हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली गूगल पिक्सल के लिए है, जैसे कि नया पिक्सल लॉन्चर, नया आइकन पैक, नया वॉलपेपर ऐप, 3D टच और भी कुछ नया कूल फीचर। दोस्तों, इंडिया में तो गूगल पिक्सल का प्राइस 66,000 के आसपास है, तो सब लोग तो इसे नहीं खरीद पाएंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू गेट गूगल पिक्सल लुक ऑन एनी एंड्रॉइड स्मार्टफोन विदाउट रूट योर फोन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपको 3 ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। नंबर 1 नोवा लॉन्चर प्राइम वर्जन, नंबर 2 पिक्सल आइकन पैक एंड नंबर 3 गूगल वॉलपेपर ऐप। दोस्तों, ये सारे ऐप्स का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और आगे मेरा स्टेप को आप फॉलो कीजिए। सो दोस्तों, अभी आपने जो वॉलपेपर ऐप को डाउनलोड किया था उसको आप ओपन कर लीजिए और वॉलपेपर ऐप में आप देखिए, यहाँ पे जो गूगल पिक्सल का जो एक्सक्लूसिव जो वॉलपेपर ऐप है, गूगल वॉलपेपर ऐप, तो यहाँ पे आपको डे बाय डे नया नया फोटो देखने को मिलेगा, गूगल से अपडेट मिलेगा आपको। तो देखिए, यहाँ पे जो आर्ट सेक्शन है और आर्ट सेक्शन में आप नीचे जाएंगे तो आपको ये वाला वॉलपेपर मिलेगा जो गूगल पिक्सल में यूज हुआ है। तो इसको हम लोग पहले वॉलपेपर से सेट कर देते हैं और देखिए आपका होम स्क्रीन में, यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल में आपका होम स्क्रीन में ये वॉलपेपर सेट हो गया है, ठीक है। तो अभी नोवा लॉन्चर को आपको सेट करना है, तो नोवा लॉन्चर को आप ओपन कीजिए और देखिए, नोवा लॉन्चर को आप यहाँ पे जो डाउनलोड किया था इंस्टॉल आपने शायद कर लिया है, उसके बाद उसको ओपन करके सेट कर लीजिए। तो पहले आपको नोवा लॉन्चर को डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेट करना पड़ेगा। तो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेट करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग से आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर होम स्क्रीन में एक बार टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे रिमेंबर माई चॉइस करके यहाँ से नोवा लॉन्चर को डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है नोवा लॉन्चर का सेटिंग में। तो नोवा लॉन्चर का सेटिंग में जाने के लिए आपको मोबाइल स्क्रीन में कहाँ पे भी टैप करके रखना पड़ेगा और उसके बाद देखिए नीचे में सेटिंग ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो सेटिंग ऑप्शन का ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन आया है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप में जाइए और यहाँ पे जो डेस्कटॉप ग्रिड ऑप्शन है तो इसका ऊपर क्लिक करके ये जो ड्रायर का जो ग्रिड है, डेस्कटॉप ग्रिड जो है, उसका पहले 5x5 रेशियो में सेट कर दीजिए, डन कीजिए। उसके बाद जाना पड़ेगा आइकन लेआउट और आइकन लेआउट में जाने के बाद ये आइकन साइज को हम लोग सेट करेंगे 115%, ठीक है। उसके बाद बैक करके जाइए, उसके बाद जो विथ पेडिंग है, विथ पेडिंग को हम लोग सेट करेंगे मीडियम एंड जो हाइट पेडिंग है, हाइट पेडिंग को हम लोग सेट करेंगे लार्ज। उसके बाद आगे देखिए जो सर्च बार का ऑप्शन है, सर्च बार का ऑप्शन को ऑन कर देंगे और नीचे में सर्च बार का जो स्टाइल है, सर्च बार का स्टाइल जो गूगल पिक्सल में यूज हुआ है वो है ये गूगल का आइकन, तो गूगल का आइकन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और नीचे में भी जो गूगल का आइकन है ये आइकन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब बैक करके जाइए, बैक करके जाने के बाद देखिए नीचे में आपको और एक ऑप्शन आएगा पेज इंडिकेटर, तो पेज इंडिकेटर को हम लोग नॉन कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद बैक करके जाइए, बैक करके जाने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऐप एंड विजेट ड्रायर, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद जो डेस्कटॉप ऐप ग्रिड है इसको भी हम लोग 5x5 रेशियो में सेट कर देते हैं, डन यहाँ से कर दीजिए। और नीचे में देखिए आइकन लेआउट साइज एंड लेवल, इसका ऊपर आप क्लिक कीजिए तो इसको भी हम लोग 115% तक सेट करेंगे। बैक कीजिए, उसके बाद देखिए नीचे में जो कार्ड बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है इसको ऑफ कर देते हैं, कार्ड बैकग्राउंड को ऑफ करके नीचे में स्वाइप टू ओपन को ऑन कर देते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में बैकग्राउंड कलर एंड ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आया है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके इसको हम लोग 15% तक कर देंगे, ओके। उसके बाद बैक कीजिए आप, बैक करने के बाद नीचे में देखिए जो ऐप सर्च बार है उसको हम लोग ऑन कर देते हैं और यहाँ पे इसके बाद हम लोग बैक करके जाते हैं मेन सेटिंग में। मेन सेटिंग में आने के बाद आपको डॉक का ऑप्शन मिलेगा, डॉक्स का ऑप्शन में आप देखिए डॉक बैकग्राउंड जो है, डॉक बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे और इसका जो कलर है ये कलर को हम लोग वाइट सिलेक्ट कर देते हैं और नीचे में जो ट्रांसपेरेंसी है इसको हम लोग सेट करेंगे 75%, ओके। उसके बाद आप बैक करके जाइए, बैक करके जाने के बाद आप फिर से बैक करके मेन सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आप देखिए आपका लुक एंड फील का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाना पड़ेगा। लुक एंड फील में जाने के बाद जो आइकन थीम है, आइकन थीम को ऊपर आप सिलेक्ट करके जो पिक्सल आइकन पैक आपने अभी डाउनलोड किया है उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, पिक्सल आइकन पैक, ओके।
और सबसे नीचे देखिए और एक ऑप्शन में आपको ऑन करना होगा जो है सर्च एज ओवरले। तो सर्च एज ओवरले को हम लोग ऑन कर देते हैं। उसके बाद बैक कीजिए। बैक करने के बाद आपको फिर से एक बार डेस्कटॉप में जाना पड़ेगा और डेस्कटॉप में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है अभी जो है स्वाइप टू ड्रायर इंडिकेटर। तो इसको हम लोग ऑन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आप इसको एग्जिस्ट कर दीजिए सेटिंग को। तो देखिए आपका मेन स्क्रीन में अभी गूगल का जो पिक्सल का जो लुक है वो अभी आ गया है। तो यहाँ से आपको और एक काम करना पड़ेगा, जो ये जो दो दो जो घड़ी का आइकन आ गया है, दो दो जो डेट का आइकन आ गया है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे आप टैप करके रखिए और देखिए यहाँ पे 3D टच जैसा गूगल पिक्सल जैसा ऑप्शन आपके पास आ गया है। तो यहाँ से हम लोग इसको पहले रिमूव कर देंगे, ओके। उसके बाद आप देखिए नीचे में जो ड्रायर का जो आइकन है, ये ड्रायर के आइकन के ऊपर होल्ड करके इसको भी हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिए इसके ऊपर आप होल्ड करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे रिमूव एंड एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग इसको सीधा रिमूव कर देते हैं और जो ब्लैंक प्लेस है यहाँ पे हम लोग ये कोई भी एक आइकन ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो अभी आपका जो मोबाइल है वो देखिए पूरा के पूरा गूगल पिक्सल जैसा लुक्स में आ गया है। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो please hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Also you can follow me on Facebook, link in the description below. Once again, this is Kaushik and I'll see you in my next video.